तो अर्शद रेडी? एब्सोल्युटली यस सर। 16 अगस्त को May 24 की बैच शुरू होने जा रही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत मज़ा आने वाला है एकदम। ऐसे न्यू सिलेबस, न्यू एनर्जी, माहौल होने वाला है एकदम। नई रास्ता बिल्कुल, मज़ा आने वाला है। एक नए जर्नी की शुरुआत होने जा रही है। यस, न्यू सिलेबस का पहला बैच एंड आई थिंक अपनी टीम पूरी रेडी है अभी। बिल्कुल, नोट्स और जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है अभी, मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। यस चलो अच्छा है। पर मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा है हाँ, कि जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा कोर्स जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, ओके, तो जो पढ़ा रहा है ऑडिट और मैं जो पढ़ा रहा हूँ FMSM, सही है। इसकी बैच हमने 1 दिसंबर से रखी है। परफेक्ट। वो ये सोच कर रखी है कि ये जो बैच चलेगा इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स और ग्रुप 2 का कॉस्टिंग बराबर। तो 4 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, I mean, चलते रहेंगे। टैक्स तो एंड तक चलता रहेगा। बिल्कुल, बाकी सब्जेक्ट ख़त्म होंगे और 1 दिसंबर से हम लोग इनके जैसे ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग ऑडिट स्टार्ट करेंगे और FMSM स्टार्ट करेंगे, जो चलेगा जनवरी एंड तक या फिर फेब्रुवरी फर्स्ट वीक तक। बराबर सर। यानी कि बच्चों का अभी जो प्लान दिया है, जैसे हमें ओल्ड सिलेबस में 6.5 महीने लगते थे, अभी 5.5 महीने का बनाया है प्लान है और मुझे लगता प्लान सही है। पर फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको जल्दी ख़त्म करना हो सकता है, क्योंकि अगर जल्दी ख़त्म कर दिया तो सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा और ज़्यादा टाइम मिलेगा तो पास होने के चांसेस अच्छे होंगे, रैंक लेके आने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये बात तो सही है सर। तो सोच क्या रहे हो आप, मतलब जल्दी ख़त्म करना है? व्हाट इज़ देयर इन योर माइंड? नहीं, मतलब देखो, पढ़ाई जो करना है बच्चों को, एक दिन में जो क्लासेस करना है वो तो अभी 4 क्लासेस करेंगे हाँ। बट देर आर सम स्टूडेंट्स, यू नो, देर माइट बी सम पीपल दे वांट टू फिनिश इट, लाइक यू नो, उनको जल्दी ख़त्म करना है। या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जिनको बाकी सब्जेक्ट के बदले अभी पहले ऑडिट लगाना है और FMSM लगाना है पहले। हो सकता है, पॉसिबल है। यस। तो कैन वी स्टार्ट लाइक वन मोर बैच बच्चों की सर? बट एक्टिक नहीं हो जाएगा? डबल कि करना है शुरू? नहीं, मतलब अपना तो एक्टिक हो जाएगा, अपने को एक ही चीज़ 2 बार पढ़ाना पड़ेगी। मतलब अपन अभी 1 बार स्टार्ट कर देते हाँ और 1 दिसंबर को चालू करते हैं तो 4 सितंबर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा 16 अगस्त से थोड़ा वो सेटल हो जाएंगे, फिर 4 सितंबर से स्टार्ट करते हैं। मंडे है 4 सितंबर, लेट्स रॉक। चलेगा, 4 सितंबर को चालू करते हैं। आपकी FMSM की नोट्स रेडी है? एकदम रेडी। मेरी ऑडिट की रेडी है। बेस्ट है। तो व्हाट्सएप में उसको ऑलरेडी पढ़ा ही रहा था अपन ने, तो विजयबैच में उन्होंने बताई भी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक फ्रेश बैच स्टार्ट करते हैं 4 सितंबर से हाँ, जिसमें मैं FMSM स्टार्ट करता हूँ हाँ, दोपहर को 12 बजे। ठीक है। मैं 4:30 बजे या 5 बजे के करीब मैं ऑडिट स्टार्ट कर देता हूँ और बीच में कॉस्टिंग तो है ही, चल ही रहा है। 215 से लेके 445 तक कॉस्टिंग है। यानी कि ग्रुप 2 किसको अभी सेपरेटली, मतलब ग्रुप 2 के बारे में कुछ सोच रहा है तो दे आर गेटिंग 1 मोर ऑप्शन फॉर ज्वाइनिंग ग्रुप 2। बिल्कुल, एक अभी जो 4 सितंबर को हो रहा है और एक फर्स्ट दिसंबर को। और सर ये एकदम दोनों अलग बैचेस रहेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल भी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अगर मैं अभी 4 सितंबर को ज्वाइन करूँ तो 1 दिसंबर का मेरे को समझेगा क्या। तो ये दोनों बैचेस जो होगी वो अलग नहीं, मतलब हम लोग 2 अलग अलग बैचेस, अलग एकदम 2 फ्रेश बैचेस। ये बैच चलूंगे खत्म सितंबर, वो खत्म 1 दिसंबर। बिल्कुल, है ना? यस, बिल्कुल। और सर एक सवाल ऐसा है कि अगर मान लो बच्चा 4 सितंबर को एनरोल कर लेता है, बराबर है, अगर उसको लगा कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ मॉर्निंग 8:30 से, उसने एनरोल कर लिया बट अगर नहीं हो पाया, उसके लिए भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा? नहीं, तो कोई सोचने की बात नहीं। अगर मान लो जब वो एनरोल कर लेता है और उससे हो सकता है कि बीच में उसको लगा कि नहीं कर पा रहा हूँ, तो ही वुड बी अलाउड टू अटेंड द बैच ऑफ 1 दिसंबर। ओके, तो उसको अलग से फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब तो उसके लिए विन-विन सिचुएशन है। आप बोल रहे हो एक फीस में दोनों बैच अटेंड कर? हाँ, मतलब अभी करेगा और उसको वो लगता है कि 4 सितंबर की बैच फुल अटेम्प्ट करी है, फिर भी क्या वो 1 दिसंबर चाहे तो कर सकता है क्या? नहीं, वैसे वो करने के लिए तो अपन अलाउ करेंगे बट ही विल नॉट डू इट बिकॉज एक टाइम का वो, बराबर, उसका ऑब्जेक्टिव है कि ही वांट्स टू फिनिश इट अर्लियर। so that he'll get enough time to study, you know, the entire subject, entire syllabus again. बराबर. तो मकसद यही है, काम करते ही ये जो बैच चल रही है वो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव से भी लेकर आते हैं, तो उससे फायदा हो जाएगा कि अगर बच्चा दिन भर अगर मान लो ग्रुप वन की और कॉस्टिक की क्लास कर भी रहा है तो उसके बाद में यू नो उसको लगता है कि रिकॉर्डिंग्स मैं अपने स्पीड पे उसको अपने कन्वीनियंस से संडे के दिन अलग से ख़त्म करना चाहता हूँ. बिल्कुल. तो हो ये सकता है कि जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा अपने सिलेबस को 4 महीने पहले ख़त्म करना चाहता है, इज़ गेटिंग एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी और पूरा सिलेबस का जल्दी से हो जाएगा. और इसमें क्या हो जाएगा ना कि स्टार्टिंग में मेहनत बहुत ज़्यादा होगी बट बाद में जो सुकून मिलेगा, हाँ, उसका कोई जवाब नहीं. मतलब बहुत समय मिलेगा सर. लगभग अभी उसको 2.5 महीने अगर मिल रहे तो उसको लगभग वो 4-4.5 मंथ्स मिलेंगे सेल्फ स्टडी करने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. और स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऐसा ये होगा मेहनत, बट बाद में तो भाई वन टाइम एफर्ट है, हो जाएगा. I think we must go for this. Then let's start 2 batches, different batches. Done. Number 1 batch coming on 4th September and number 2 batch coming on 1st December. दोनों batch completely different होगी. I think ये batches हम लोग अपने live streaming में भी करेंगे, face to face भी करेंगे. Google Drive, Pen Drive तो है ही, तो हर मोड में आपके लिए ये batch हम लोग लेकर आ रहे हैं. तो I think you would be happy to know about this कि अगर इस batch में आप चालू करते हो और अगर आपको बीच में लगता है कोई problem है भी तो कोई issue नहीं है, आप उस batch को विदाउट डूइंग री रजिस्ट्रेशन आप उसी फीस में अगले बैच भी आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं. बिल्कुल भी नहीं. तो 1st December आपके लिए अवेलेबल तो है ही है, बस आपको अगर सिलेबस को अच्छे से जल्दी से विद इन टाइम अगर ख़त्म करना है तो स्वप्निल सर और अर्शद सर आपके लिए लेके आ रहे हैं एक नया बैच 4th of September को. और जी हाँ, और मैं कह रहा हूँ कि ये सारे सिलेबस जिस ढंग से पढ़ाए जाएंगे, we both are absolutely prepared from the new syllabus point of view. There's no doubt. I really promise you guys, ये हमारी गारंटी है. You will be super super happy with our quality of teaching. Rest assured. अगर आप जानना भी चाहते हैं हम लोग कैसे पढ़ाते हैं न्यू सिलेबस में, तो उसके अनेक लेक्चर्स हमने अपने YouTube के ऊपर अपलोड किए. आप ज़रूर सर्च करें विजय बैच के लिए, उसमें हमने कितने सारे लेक्चर ऑलरेडी डेमो के फॉर्म में अपलोड भी किए थे. यस. और ये बच्चों न्यू सिलेबस तो कहने के लिए है, ये सब्जेक्ट को हम लोग बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, ऑडिटिंग हो या ग्रुप 2 का कॉस्टिंग हो, वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड. और हमारे रिजल्ट्स, हमारे रैंकर्स इस बात की गवाह है कि जो हम लोग पढ़ाते हैं वो आपको इतना मज़ा आएगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा आपको सब्जेक्ट को लेके कि आपको सीए इंटरमीडिएट की जर्नी आपकी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी. यस. सो गाइस, सी यू ऑन 4th September. Right. Thank you so much. Take care. Bye bye.